तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। काफी टाइम से मैं ये सोच रहा था कि एक साइड दीवार जो है थोड़ा सा मैं ठीक कर दूं। मतलब आपको पता है कि पहले अकोस्टिक फोम वगैरह इसके अंदर लगा हुआ था और टेबल वगैरह कभी लगाता था, उसके बैकग्राउंड में कभी कभी मैं वीडियो बना लेता था। और ये ध्यान में रखना, अगर यूट्यूब से कमाई कम हो रहा है आपका, जैसे होना चाहिए नहीं हो रहा है, तो आपको उसी हिसाब से खर्चा करना पड़ेगा। बिगिनर हो, यूट्यूब पे स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आपको एक बैकग्राउंड चाहिए, तो आप बाय करके यूज कर सकते हो, काफी बढ़िया है। मेरे पास जो छोटा सा स्टोरी टेलिंग जो करने आया हूँ कि इस ये सेटअप कहाँ से मुझे याद आया कि ऐसे वॉलपेपर में क्यों लगाया, कलरिंग जब हुआ था तो ब्लू कलर का हुआ था, तो थोड़ा इतना मजा नहीं आ रहा था, डल टाइप का हो गया था, मतलब इतना ग्लेज नहीं कर रहा था। तो मैं सोचा कि उसके ऊपर कुछ और बढ़िया कलर ले लेता हूँ। तो ट्विटर पर मैं पोस्ट किया था, कुछ सजेस्ट भी मांगा था और वहाँ पे अलग अलग टाइप का मेरे को मैसेज आए थे। बट मुझे लगा कि यार कलर लाके फिर एक बंदे को अगर हायर करूंगा, तो एक बंदे ने मुझे बताया कि एक दिन का एक पेंटर अगर आता है, चाहे 4 घंटे लगे 8 घंटे लगे, वो 850 से 900 रुपये मांगा मुझे एक पेंटर, जो कि कलर वलर सब मैं लेके आऊंगा, सब कुछ सिर्फ वो आके लगाएगा, खर्चा आएगा। और मैंने YouTube भी ट्राई किया, YouTube पे भी देखा, तो मुझे लगा मैं खुद इसको कर लेता हूँ जैसे प्रोसेस होता है, बट वो मेरे से हुआ नहीं। मतलब मैंने ट्राई किया, मैंने कहा कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, फिर खुद का पैसा इन्वेस्ट करो और खुद अगर ट्राई करो अपने में, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाता है। ये जो वॉलपेपर सेटअप हुआ ना, ये लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा, लमसम 1-1.5 साल या 2 साल करीब चलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरे आपने देखा होगा जब अमेजन पे वीडियो बनता था या और कई सारे वीडियो बनाते, कि व्हाइट बैकग्राउंड टाइप का मैंने सेट किया था, वो अभी तक फिक्स है, क्योंकि वही लोग लगाए थे जो लोग इसको मैंने यहाँ पर फिक्स किया। पहले आप देख सकते हो दीवार के अंदर जो है, दीवार देख रहे हो पूरे साफ है, मतलब ठीक है, खराब नहीं है। उसके ऊपर मैं एकॉस्टिक चिपकाया था, एकॉस्टिक फोम, और वो निकालने के बाद डबल जो डबल साइड टेप वगैरह था ना, वो थोड़ा ज्यादा फिक्स हो गया था, फिर उसको निकाल के सेट कर दिया था मैंने पहले, क्योंकि मेरा मूड था कलर करने के लिए। फिर जब मैंने बजट चेक किया तो भाई मेरे बजट के बाहर जा रहा था, मैं कहा यार एक थोड़ा सा दीवार के लिए, यानी कि 7x8 करीब होगा, हो गया। प्रोसेस बताता हूँ कि ऐसे क्या हुआ। जब भाई साहब जब आए हमारे यहाँ पे, मैंने उनको बताया कि भाई मैं रोल लेके आ रहा हूँ, यानी कि वॉलपेपर लेके आ रहा हूँ, तो आप आ जाओ मेरे पास लगाने, तो ऐसे ऐसे दीवारें खराब हो रखा है ना, ठीक है कोई बात नहीं लगा देंगे। वो पहुंच गए और जैसे आए उन्होंने नाप लूम ले लिया, मैंने उनको बता दिया कि इतने एरिया के अंदर मुझे चाहिए, तो उन्होंने सेट करके बाहर जाके बैठ गए, एक बाल्टी लेके उसके अंदर जो CMC पाउडर कुछ होता है और उसके अंदर फेविकोल वगैरह डाल के, पानी भी डाल के उसको थोड़ा पतला कर दिया, मतलब वो एक गोंद होता है इसके पीछे जो चिपकाने के लिए, और बस उसके बाद फिर ये जो सेटअप वाइज था ना, लंबाई चौड़ाई, वो आराम से बैठ के काटने लगे। मैं छोटा छोटा वीडियो ले लिया, मैं कहा चलो एक एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं, और किसी को अगर लगाना हो वो भी लगा सकता है, अदरवाइज ये प्रोसेस तो उनको फॉलो कर पाएंगे। देन उन्होंने चारों सेट यानी कट वाइज इन्होंने सेट किए, और सेट करने के बाद फिर उसको ऐसे लपेटे जैसे वॉलपेपर के ऊपर हिस्से में वो जो एडेसिव था वो ना लगे, तो ऐसे सेट करके उन्होंने अपने हिसाब से रख लिया कि कौन सा फर्स्ट लगाना है, कौन सा सेकंड लगाना है। वो एक्सपीरियंस बंदा है, वो तो काफी टाइम से काम कर रहे हैं वॉलपेपर का, उनको मैंने बुलाया था, वही मेरे पुराने जो 2-3 साल पहले जो मैंने लगाया था उनको भी बुलाया था, वही लगा के गए थे, अभी तक फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद उन्होंने आया, थोड़ा सा इंच टेप दिए नापने के बाद, फिर उनके पास एक ब्रश था, बल्टी में डुबाए ब्रश वगैरह सेट किए, लगाने के बाद उसके बाद धीरे धीरे वो ऊपर फिक्स करके और अच्छे से, एक उनके पास शायद एक वाइपर था प्लास्टिक का, उस प्लास्टिक एक प्लेट टाइप का एक वाइपर टाइप का था, वो अपने हिसाब से करने लगे, सेटअप बढ़िया से बना दिए और एकदम बढ़िया लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं उसको थोड़ी देर बाद मैं उनको ऐसे वीडियो लगा के चला गया और अपने काम में कुछ और सेटअप कर रहा था मैं, तो उन्होंने लगा के फिर मुझे बताया कि 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही रूम को बंद करके छोड़ दो। देन उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पंखा वगैरह चालू कर दिया था, वो खिड़की वगैरह खोल के, ताकि थोड़ा एयर लग जाए, और अभी भी मेरे ख्याल से एकदम से सूख गया है, थोड़ा बहुत कहीं अगर होगा तो होगा, फिर कल सुबह तक सूख जाएगा, ये अच्छी तरह सूखा नहीं है। मैं बस मुझे लगा कि वीडियो आप लोगों को दे देना चाहिए। बस ये आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस मैं जो शेयर किया, कि भाई जस्ट 300 रुपया ये लगा, यानी कि वॉलपेपर से 300 लगा, और जो लगाने आए थे उनका जो लगाना और जो वाइडेसी वगैरह वो सेट किए, तो उसके लिए भी 300 रुपये, यानी 600 रुपये में मेरा काम हो गया। ठीक है, वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करना, इस वीडियो को शेयर कर देना। ये था एक छोटा सा एक्सपीरियंस कि हमने घर पे ऐसे ऐसे सेट किया था, और आप देख सकते हो पहला वाला सीन क्या है, अब वाला सीन क्या है ना। बस ये था आज के वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।